तो दोस्तों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ही ज़्यादा है, अतः इस अध्याय का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे इस प्रकार है, खरीफ फसल और रबी फसल। फसल के प्रकार। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य फसल की अवधि में करने पड़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी तैयार करना, बीजों की बुआई, सिंचाई इत्यादि। अतः वे सभी क्रियाकलाप जो एक फसल की अवधि में किया जाता है उन कार्य को कृषि पद्धतियां कहते हैं। वे क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। आइए अब इन सब क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। हालांकि आप ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण है। मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। ये जीव मिट्टी को ह्यूमस बनाते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, अतः इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब मिट्टी तैयार करने वाले कुछ
उपकरण के बारे में भी चर्चा करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आमतौर पर हम कृषि औजार भी कहते हैं। ये भी आधुनिक और परंपरागत हो सकते हैं। आधुनिक तौर पर कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। परंपरागत तौर पर मिट्टी को तैयार करने के लिए हल, कुदाली इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी हल से तो परिचित ही हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। आधुनिक कृषि कार्य के मिट्टी को तैयार करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। इससे काफ़ी समय की बचत होती है और श्रम की भी। बुआई। अब अगले क्रियाकलाप बुआई के बारे में चर्चा करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि बीजों को बोने से पहले स्वस्थ और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग कर दिया जाता है। बुआई में उपयुक्त औजारों के बारे में जानते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में उपयोग किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। आप बड़े पैमाने पर बुआई के लिए आजकल सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, यानी सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इससे बीजों की सही तरह से बुआई सफल हुई, जिसमें बीजों के बीच की समान दूरी और गहराई सम्मिलित है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक के बारे में हम परिचित हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं, जो उनके वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। लेकिन बार बार फसल उगाने के बाद उस क्षेत्र में किसी खास पदार्थ की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से खाद डालते हैं। ये प्राकृतिक और रासायनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक में वर्मी कंपोस्ट आते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन रासायनिक उर्वरक वो होते हैं जिसमें कोई खास तरह के ही पोषक तत्व की मौजूदगी होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। सिंचाई। अब फसल की एक महत्वपूर्ण इकाई सिंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक पौधों को पानी ज़्यादा या कम जरूरी होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन यानी विकास के लिए जल का विशेष महत्व है। आप घर के आसपास बागवानी करते हुए इसे देख सकते हैं। जैसे हम बागवानी में हम सुबह शाम पानी डालते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। अतः विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीकों में मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट इत्यादि आते हैं। इन सब यंत्रों के बारे में अगर आप ज़्यादा विस्तार से चाहे तो किसानों से चर्चा कर सकते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके। इस विधियों की मदद से हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, यानी पानी की बर्बादी कम से कम हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में पानी की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः सिंचाई में पानी की बर्बाद ना हो, इसलिए आधुनिक विधि का प्रयोग कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि में छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र आते हैं।
इन विधियों को आप बड़े फॉर्मों में देख सकते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। इन सब के बाद महत्वपूर्ण चरण खरपतवार से सुरक्षा होता है। अगर आप कभी खेतों के निकट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, यानी फसल की विकास को रोकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। हालांकि ज़्यादा रसायनों का प्रयोग भी हमारे लिए हानिकारक है। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इसे मशीनों की मदद तथा पारंपरिक तरीकों से भी किया जाता है। यह किसानों पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है कि वो फसल कितने क्षेत्र में, यानी उनके फसल का आकार कितना है। मशीनों में हार्वेस्टर और कंबाइन आते हैं, जिसे बड़े बड़े फॉर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय और मजदूरों की बचत होती है। कटाई का समय किसानों के लिए सबसे हर्षोल्लास का समय होता है। इसलिए कटाई के बाद किसान कई त्यौहार भी मनाते हैं। भंडारण। सबसे अंतिम चरण भंडारण आता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि फसल के उत्पादन के बाद उसका उपयोग तुरंत हम नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें अधिक समय तक रखने के लिए उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। इसीलिए फसल को पहले धूप में सुखाकर फिर उन्हें बड़े पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। इस कार्य के लिए बड़े बड़े साइलो और भंडार गृह का उपयोग किया जाता है, जिनसे उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे। अतः इस पूरे अध्याय में हम महत्वपूर्ण पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में विस्तार से जाने हैं। थैंक यू।